और रोटी छोटी। सुबह जो दाल खाई थी तुम्हारे हाथ की रोटी और दाल, और क्या ये हाल, सब बातों का है जाल। Now it's looking like a Mexican movie. हम लोग ऐसी जगहों पर कुछ थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड के लिए आते हैं, वो आपको यहाँ नहीं मिल पाता है। एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के डर भी लगता है। लुक एट दिस, सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम, दिस ट्रांसफार्मर मुंह पे रखा हुआ है। एंड द मोमेंट वी रीच्ड हियर, देयर वर आल्सो समथिंग, जो इनका कंस्ट्रक्शन वर्क है वो भी चल रहा था, अब भी चल रहा है। आधे कुछ तामीर हमने भी अपना उसमें अपना हिस्सा डाला, और एक अदद ग्लास मैंने तो देखिए कितना खुश है ये ब्लेंडर पे। तो ये चीज़ें यहाँ पर अच्छी नहीं है। और ये तुमने मुझे कहा था ना? है ना? कहा तुम्हें था? वो नहीं है, कहना नूनो सुनाना तीनों। ओके, सो तुम बुराइयां कर दी। और ये वाले पीछे से ये वाली चीज़ें भी मुसलसल कंटिन्यूसली हो रही है, मतलब ये लग रहा है कि अभी तक किसी वर्किंग पोजीशन में। और पहीता सिज़लर, और इसकी एक मज़े की बात ये है कि उसके साथ उन्होंने आपको साइड्स पे बहुत ज़्यादा चीज़ें दी हैं। हमारे पास ये मैक्सिकन राइस हैं, इसके अलावा टॉर्टिनाज हैं, और ये इसलिए दिए हैं ताकि आप अपने टैकोस खुद बना सकें। और मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि सिज़लर से टैकोस को कैसे बनाए जा सकते हैं।
फिर ये उनकी कुछ सॉसेस हैं, ये सालसा है, ये चीज़ है, और ये मैक्सिकन की मशहूर सॉस होती है, एक स्पाइसी वो है। तो ये दोनों प्लेटर बेसिकली एक डिश माने जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास द फेमस टैकोस। टैकोस हैं यहाँ पर, और ये हमने क्रिस्पी चिकन टैकोस मंगवाए थे। तो इसके अंदर बेसिकली फ्राइड चिकन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगा। साइड्स पे आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, अगर आप चावल मंगवाना चाहते हैं तो वो मंगवा लें। आई लव फ्राइज, तो इसलिए मैंने फ्राइज मंगवाए हैं। और फिर यहाँ पर हमारे पास तीसरी डिश में आ गए हैं हमारे पास एनचिलाडास। और ये है हमारे पास क्रीमी चिकन एनचिलाडास। होता क्या है कि अंदर ऑब्वियसली ब्रेड होगी, उसके अंदर चिकन होगा, और फिर बहुत ज़्यादा चीज़ है। सो आई डोंट वांट टू वेट टू टेस्ट इट। अब टेस्ट करते हैं, बताती हूँ आगे कैसा होने वाला है। कम ऑन। ओके गाइस, तो चिकन सर्वर खाने का एक तरीका हमने आपको बता दिया। टैक
मिला के कर करके आप ये खा सकते हैं। अब मैं ये ट्राई करने जा रही हूँ कि ये चावल के साथ कैसा लगता है। ताहिर इज़ लविंग द फूड। तो रोटी छोटी, सुबह जो दाल खाई थी तुम्हारे हाथ की रोटी और दाल, और क्या ये हाल, सब बातों का है जाल। Now it's looking like a Mexican mood. कंक्लूजन पहले मैं दे देता हूँ, फिर सीरियस आपको समझ दे देगी। इट वॉज गुड नॉट बैड, लेकिन जितनी इसकी हाइप है, मैक्सिकन स्पाइसी होगा और जितने पैसे लग रहे हैं, मैं थोड़ा रियलिस्टिक आदमी हूँ, मेरे ख्याल से इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया। अभी चीज़ें कुछ बन रही हैं जो कि बदकिस्मती इन लोगों की और हम लोगों की भी, हम जिस दिन आए हैं तो यहाँ पर काम भी हो रहा है और एक अजीब सी हसल है यहाँ पर। सो कुछ इस चीज़ ने भी ऐड कर दिया, अदरवाइज़ एक्सपीरियंस 50-50। मुझे लग रहा है आई थिंक ऑब्वियसली ये सारी की सारी अरेंजमेंट्स अब इनको जो करनी पड़ रही है 11th आवर में, वो कोविड की वजह से करनी पड़ रही है, क्योंकि अंदर डाइनिंग बिल्कुल मना कर दिया है। पैटियोज अलाव है, आप बाहर बैठ के खा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमें इस उनकी जगह बहुत कम लग रही थी, अब वो जगह जो है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ। सो बेसिकली ये जितना आपको एरिया नज़र आ रहा है, अभी यहाँ पे आई थिंक सारी टेबल्स और चेयर्स बना देंगे और अब सिटिंग एरिया काफ़ी बड़ा हो जाएगा। एनीवेज हम लोकेशन की बात करने, सबसे पहले लोकेशन इतनी कोई डिज़ायरेबल नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि साइट की जो लोकेशंस हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। फिर ये जो आपको बार बार ट्रैफिक की आवाज़ें आ रही हैं, ऑब्वियसली ये खाने के लिए जो है, एनीवेज तो लोकेशन की बात कर रहे थे, तो इतनी अच्छी लोकेशन नहीं है। खाना इट्स नॉट दैट बैड, मैं बताऊँ, मुझे इनके यूटेंसिल्स बहुत पसंद आए, इनके प्रेजेंटेशन का वे बहुत अच्छा लगा है। और जहाँ तक बात कर लीजिए बिल की, तो आई थिंक इट वॉज फेयर इनफ, इतना ही बन रहा था। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 चीज़ें बनाई हैं, जिनकी जो पोर्शन है वो आपने देखा है अच्छा खासा था। हमसे तीसरी चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, हमने वो पैक करा लिया और हम वो घर जाके खाएंगे। तो पोर्शन के लिहाज से इट वॉज़ बेस्ट, प्रेजेंटेशन के लिहाज से इट वॉज़ बेस्ट, बट टेस्ट वाइज इट वॉज़ नॉट दैट गुड। तो हम अब इसको रेट देते हैं 10 में से, जी 5, आई वुड से 6, नॉट 5, 6। ये तो फिर तुम ऐसे तो करोगी तो फिर तो नहीं हो पाएगा भाई। हम जब से यहाँ पे आए हैं, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, ये पकड़ लो।